हेलो गाइस, सर्दियों में खांसी जुकाम हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, तो उसके लिए मेरे को भी अभी हुआ है, इसलिए मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए अदरक 100 ग्राम, अजवाइन, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते, और ये है काली मिर्च, और ये है बिना रिफाइंड के गुड़, और ये 150 ग्राम घी। इसको काली मिर्च को और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें अजवाइन डाल देंगे, इसके बाद हल्दी पाउडर इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक काम करता है। धीमी आंच पे ऐसे ही बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट जब हमारा अदरक थोड़ा सा इसमें पक जाएगा, उसके बाद ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ बाद में इसलिए क्योंकि गुड़ अगर हम ज़्यादा ये करेंगे तो फिर खिंचा खिंचा दांतों में फिर फंसेगा, फिर खाना मुश्किल हो जाएगा। तो सर्दी खांसी में जिसको भी कुछ परेशानी हो, ये काढ़ा बनाए और खाए, ठंडियों में बहुत फ़ायदा मिलता है। बस फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि गुड़ को हमें खोलाना नहीं है। तो हो गया हमारा काढ़ा तैयार, ये ऐसा होगा। तो ये देखिए गाइस, हमारा काढ़ा तैयार है। इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद आप ले लीजिए, तो आपको खांसी में बहुत आराम मिलेगा। बाय बाय।